अच्छा, जब आप कभी किसी से सब्जी लेने जाते हैं या आप किसी भी मार्केट पे कोई शॉपिंग करने जाते हैं, तो आप क्या हैं? आप एक कंज्यूमर हैं, एंड दिस इज द माइंडसेट दैट यू शुड बी वर्किंग विद, कि आपने कंज्यूमर्स और यूजर्स को कैसे लेके आना है, कंज्यूमर्स और यूजर्स आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, और कंज्यूमर्स और यूजर्स क्या है एग्जैक्टली. If you want to become a successful WordPress entrepreneur, if you want to become a successful WordPress freelancer, or if you want to become a successful WordPress smart worker, तो आपको users का पता होना चाहिए. It is very crucial for you to know कि मेरे users कौन हैं, मेरे users क्या हैं, और मेरे users किधर किधर बैठे हैं. तो ये लव्स users आपको बार बार सुनने को मिलेगा. एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम या एक CMS इज ऑल अबाउट इट्स यूजर्स. वो लोग जो कि आपकी वेबसाइट को या आपके कंटेंट को यूज करते हैं. जिधर भी आप ये लफ्ज कंटेंट सुनेंगे, यू विल हियर द वर्ड यूजर्स. व्हाई? बिकॉज पीपल लाइक कंटेंट. आपको याद होगा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि मैन इज अ सोशल एनिमल, ह्यूमंस आर सोशल. They like to consume content. They like to see content. They are also very visual people and they like to hear what other people have to say. Humans like to discuss. Humans like to see. Humans like to hear. And that's why content management systems are all about content. But as much as they are about content, they are about users as well. Content मैनेजमेंट सिस्टम में जो एक कड़ी है वो है द कॉन्टेंट, द मुद्दा. बट द अदर इम्पॉर्टेंट पार्ट या जो दूसरी इंपॉर्टेंट कड़ी है वो है इसके यूजर्स, जिनको हम कंज्यूमर्स भी कहते हैं. तो दीज कंज्यूमर्स आर द यूजर्स ऑफ द कॉन्टेंट. यूजर्स आर एवरीवेयर, हर जगह ही यूजर्स हर जगह फैले हुए हैं. पाकिस्तान में, यूके में, यूएस में, पूरी दुनिया में आपके यूजर्स बैठे हुए आपसे बात करने के लिए. ना सिर्फ आपसे बात करने के लिए बल्कि आपके कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए. यूजर्स आर सिटिंग ऑल अक्रॉस द ग्लोब. और आपको ये लगेगा कि मैं किस तरह एक यूएस में बैठे हुए बंदे को अपने कंटेंट से अट्रैक्ट कर सकता हूं. वेल माई फ्रेंड्स, पीपल हैव डन दैट. पीपल जस्ट लाइक योरसेल्फ, पीपल फ्रॉम पाकिस्तान, people who saw opportunities on the internet. I was one of them. अगर मैं ऐसा कर सकता हूं तो आप भी ऐसा कर सकते हैं. हमारे साथ और जो WordPress heroes हैं, कुछ ऐसे जिनसे आप मिलेंगे भी, all of them have done this. It is the opportunity that you have to create an ecosystem around yourself जो कि users पे dependent है, consumers पे dependent है. बिकॉज जब यूजर्स आएंगे तब ट्रैफिक बढ़ेगी, ट्रैफिक बढ़ेगी तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो आपकी जिंदगी और बेहतर से बेहतर हो जाएगी, और जब आपकी जिंदगी बेहतर होगी तो आप अपने साथ अपने दोस्तों के सपोर्ट करेंगे, अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे, एंड टुगेदर वी विल क्रिएट अ न्यू इकोसिस्टम ऑफ ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप एंड फ्रीलांसिंग टू टेक पाकिस्तान टू द नेक्स्ट लेवल. करंटली पाकिस्तान रैंक्स एट जस्ट 4th नंबर पे है दुनिया में फ्रीलांसिंग पे, बट यू एंड मी टुगेदर वी विल टेक इट टू नंबर 1. देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूजर्स. एक जो कि अनरजिस्टर्ड है, ये वो यूजर्स हैं जो कि आपकी साइट पे रजिस्टर किए बगैर आपके कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं. और फिर वो लोग जो कि रजिस्टर्ड है, ये वो लोग हैं जिनको आप अलाउ करते हैं कि आपकी साइट पे आए और आपकी साइट पे आके कंटेंट से रजिस्टर करवा के कंटेंट को यूज करें. रिमेंबर देयर टू टाइप्स ऑफ यूजर्स. एक वो जो कि आपकी साइट पे रजिस्टर किए बगैर कंटेंट को यूज कर रहे हैं, और दूसरा वो
जो कि आपकी साइट पे रजिस्टर करते हैं और फिर कंटेंट को यूज करते हैं. वी आर मोर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द रजिस्टर्ड यूजर्स. कौन है ये रजिस्टर्ड यूजर्स, कहाँ हैं, कैसे हैं. यू कैन एक्सेस दीज रजिस्टर्ड यूजर्स फ्रॉम अ सेक्शन ऑन वर्डप्रेस डैशबोर्ड में. लेफ्ट साइड पे एक सेक्शन है जिसका नाम है यूजर्स. यूजर्स विद रोल्स अदर देन एडमिनिस्ट्रेटर विल सी फ्यूअर ऑप्शंस व्हेन दे आर लॉग्ड इन. तो अगर आप एडमिन हैं तब तो आप सारा कुछ देख सकते हैं, लेकिन अगर आपका यूजर रोल टाइप एडमिन नहीं है तो आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस आएंगे. और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज यू विल वर्क विद अदर पीपल जो कि आपकी साइट को मैनेज कर रहे होंगे. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू नो हु यूजर्स आर, व्हाट यूजर्स आर, व्हाट देयर गोल्स आर. डिपेंडिंग ऑन योर रोल यू कैन ऑल्सो एड न्यू यूजर्स एज वेल एज मैनेज रोल्स. वर्डप्रेस आपको ये फंक्शनैलिटी देता है कि आप रोल्स को मैनेज कर सकते हैं, बिल्कुल उस तरह जिस तरह एक ड्रामे में रोल होता है, हर कोई एक डिफरेंट रोल प्ले कर रहा होता है. इसी तरह वर्डप्रेस में भी देयर आर रोल्स एंड यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ एन एडमिन. स्क्रीन पे देखिएगा आपको नजर आ रहा होगा कि कैसे डिफरेंट रोल्स मेक अप दिस थिंग कॉल्ड द यूजर पैनल ऑन वर्डप्रेस. एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन वो आपको लिंक्स भी नजर आ रहे हैं जो आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन से यूजर रोल्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं. तो लेट्स डिस्कस कि कौन कौन सी थोड़ी बहुत ऑप्शंस हैं जो कि आप यूज करते हुए अपने यूजर पैनल को ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं. वन ऑप्शन इज एडिट यूजर ऑप्शन. एडिट यूजर ऑप्शन से आप किसी भी यूजर को जाके एडिट कर सकते हैं. वी विल बी डिस्कसिंग दिस इन मच मोर डिटेल आगे जाके. आप यूजर्स को डिलीट भी कर सकते हैं. आप पूछेंगे मैं आखिर क्यों एक यूजर को डिलीट करना चाहूंगा. भाई हो सकता है आपकी कंपनी में, और इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूं कि आप सब एक कंपनी बनाएं और ग्रो करें और मुल्क का नाम रोशन करें, बट जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, हो सकता है आपने किसी राइटर को हायर किया हो और वो राइटर अब आपको छोड़ के चला गया, तो आप उनके रोल को डिलीट कर सकते हैं, बल्कि डिलीट करना चाहिए ताकि वो आपकी साइट को एक्सेस ना कर सकें वंस देयर कॉन्ट्रैक्ट हैव एक्सपायर्ड विद यू. तो व्हाट आर सम ऑफ द रोल टाइप्स. एक होता है एडमिनिस्ट्रेटर. आई एम द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ माई वेबसाइट, यू आर द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ योर वेबसाइट. जो भी वर्डप्रेस की वेबसाइट को इंस्टॉल करके बनाता है, दैट पर्सन इज द एडमिनिस्ट्रेटर, समबडी हु हैज एक्सेस टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स. देन देयर इज द एडिटर, और ये हम आपको रोल्स एक हायरार्की में बता रहे हैं कि पहले था एडमिन, अब है एडिटर. एडिटर कौन होता है? एडिटर इज समवन हु कैन पब्लिश पोस्ट, हु कैन मैनेज पोस्ट, जो कि दूसरों की पोस्ट को मैनेज कर सकता है और पेजेस को मैनेज कर सकता है, उनको पब्लिश कर सकता है. जिस तरह अखबार का एक एडिटर होता है, वैसे ही वर्डप्रेस गिव्स यू द ऑप्शन टू हैव एन एडिटर जो कि बाकियों के कॉन्टेंट को देख के एडिट भी कर सकता है और पब्लिश भी कर सकता है. फिर एक ऑप्शन है ऑथर की. ऑथर कौन है? ऑथर इज समवन हु कैन राइट अ न्यू पोस्ट एंड हु कैन मैनेज देयर ओन पोस्ट. फिर कॉन्ट्रीब्यूटर है. कॉन्ट्रीब्यूटर कौन है? समबडी हु कैन राइट एंड मैनेज देयर पोस्ट बट नॉट पब्लिश देम. तो कॉन्ट्रीब्यूटर लिख तो सकता है, लेकिन कॉन्ट्रीब्यूटर पब्लिश नहीं कर सकता. कॉन्ट्रीब्यूटर डज नॉट हैव द फंक्शन और द ऑप्शन टू पब्लिश. फिर है सब्सक्राइबर. सब्सक्राइबर क्या है? Subscriber is somebody who can manage only their own profile. ना ये content लिख सकते हैं, ना ये content manage कर सकते हैं. इनका काम है कि ये सिर्फ अपनी profile को देख सकते हैं. When WordPress is first installed, administrator account एक create होता है जिसपे सारी capabilities होती हैं. You are that administrator, just like I am the administrator of my website. और साथ ही साथ आपको एक image उस प्रोफाइल के साथ नजर आते हैं जिसको हम अवतार भी कहते हैं. तो यू विल गेट टू हियर दिस वर्ड अवतार अ लॉट. अवतार क्या है? इस पर एक मूवी भी थी. एन अवतार इज एन इमेज ऑफ अ पर्सन, और आप इस अवतार को चेंज कर सकते हैं बाय गोइंग टू अ वेबसाइट कॉल्ड ग्रेविटार्स. क्योंकि वर्डप्रेस जो अवतार्स यूज करता है उसका एक स्पेसिफिक नाम है जिसको वर्डप्रेस ने दिया विद ग्रेविटार. सो आप ग्रेविटार पे जाके अपनी प्रोफाइल से कोई एक इमेज अपलोड करें, वही इमेज उसी ईमेल पे आगे भी आपकी प्रोफाइल पे आ जाएगा.
So the website is gravatar.com. Go and sign up. So baat ho rahi thi users ke bare mein. Hum ab jaate hain apni users panel pe aur wahan pe hum aapko thoda sa ek overview dete hain ki users kya hain. Abhi aapko jaisa nazar aa raha hai ki meri website pe users hain hi nahi. Kyun? Kyunki main hi hoon jo abhi tak apni website ko access kar raha tha. That does not mean that people are not visiting my website. Yaad rakhiyega, maine aapko do fark bataye the. Ek users wo jo registered hain aur ek users wo jo nahi registered. Yahan pe aapko wahi users nazar aayenge jo registered hain. So as you can see, yahan pe sirf ek user hai jo ki main hoon. Aapko ek edit ka option bhi nazar aa raha hai, aapko view ki option bhi nazar aa raha hai. Mera image hai uske upar ek generic image laga hua hai because I have not added an image. Is lesson mein we'll keep it to this. Because we just wanted to give you a basic preview of the users panel. In the next lesson, we will take you into a deep dive where we will teach you user add karna sikhayenge. So that's it for now. And I am here to change your life with WordPress. Stay with me as we embark on this journey of learning and changing Pakistan with WordPress.